रियाक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो इंस्टाग्राम न्यू ट्रेंड चांद वाला मुखड़ा लेके बाय सैन की रोज। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। So let's go। हाँ तो हम अपने पुराने ट्रैक पे वापस आ गए, क्योंकि यही कंटेंट चलता है तो आपको भी यही देना पड़ेगा ना। मालूम है इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम नहीं रहा, मतलब पहले लोग अपने फोटो से लेके पूरे अपडेट देते रहते थे स्टोरी पे, पर अब इंस्टाग्राम पे स्टोरी से लेके हर एक पोस्ट में बस आपको एंटरटेनमेंट। अरे नहीं भाई, ये एंटरटेनमेंट के नाम पे चुयापा कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी में गोबर जोन फैला रहे हैं। तो आज हम कुछ चुयापे आप लोगों को दिखाएंगे जो ट्रेंड का नाम लगा के कुछ भी कर देते हैं। तो आइए, पर उससे पहले स्पॉन्सर टाइम। हाँ तो आज के अपने एक कौड़ी के स्पॉन्सर है लुल्ला एक्स, जो आपको लड़की दिलाया फिर ना दिलाए पर उसकी दिलाने में मदद करेगा। और अगर आप सिंगल हो तो इसे लगाते ही आपको लड़की ढूंढ के देगा, जैसे मॉर्टिन मच्छर को और सेलू भाई फुटपाथ को ढूंढ लेते हैं। और अगर आप मिंगल हो, अबे तुम मिंगल हो तो तुम्हें इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत, मादर, तो इसे खरीदो और गर्लफ्रेंड की लड़ी लगा दो। बस इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करना होगा। इस ट्रेंड ने बच्चों से लेके चांद तक सारों का नाम डुबा रखा है और साथ ही लोगों के मूड की महाबैनिक करके रख दिया, मतलब रील से लेके व्हाट्सएप तक हर जगह पे इसने आतंक मचा रखा है। ये रील में क्या है जो इसे 1,00,000 लाइक है, मतलब लाइक्स पाना अब मजाक बन गया जो सिर्फ एक फोटो पे 1,00,000 लाइक्स आ रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। यहाँ हम जो पाड़ घिस के 2-3 दिन की मेहनत लगा के वीडियो बनाते फिर भी उतने ज्यादा व्यूज नहीं आते जितने इनको लाइक्स आए हैं, फिर तो इसका मतलब यही हुआ कि हम जो क्रिएटर पाड़ घिस के मेहनत करते वो सारे तो इस रील को बनाने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे और 100K लाइक्स। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला। तुम लोग यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं भी रील्स बनाने चला जाऊंगा। बेटे तुमको देख के बाजार नहीं बल्कि स्कूल लेके जाना चाहिए, वो भी काले पानी के स्कूल में जहाँ से तुम चाह के भी ना निकल पाओ। बेटा ठीक से देखो, प्यार नहीं बल्कि पैंट में सुसु हुआ होगा। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था पर ये बुलबासोर जैसे ही दरिंदगी भरी स्माइल देके आगे बढ़ता है फिर उसके बाद ये माँ बेटे के रिश्ते को डाल देता है और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। अरे गोलू की मम्मी खाना लाओ, अरे गोलू की मम्मी खाना लाओ, भूख लगी है। अरे अंदर का म्यूजिक बज रहा है बे, मुझे। अरे गुल्लू अम्मा तो देख क्या कर रहा है मम्मी के साथ, छोड़ मम्मी को। पांडा का बना दू पांडू, क्या बात है, क्या बात है? पांडा का बना दू पांडू आज के वीडियो में सारे टिकटॉक किए नंगा होने वाला है पांडू। लोग होते होंगे ब्यूटीफुल और स्मार्ट, मैं तो कतई जहर हूँ। बेटा तुम कतई जहर नहीं बल्कि कुपोषित लग रही हो। तुम्हारे ऐसे डायलॉग बोलते कोई भी देख लेगा तो यही बोलेगा, मैं तो कतई जहर हूँ। अरे बड़ा कमजोर लगती है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? मैं तो कतई जहर हूँ। अगर तू जहर है तो खुद को काट के या फिर खुद को खा के टपक क्यों नहीं जाती, मतलब तुझ जैसे क्रिंज और तेरी क्रिंज वीडियोस को तो देखना नहीं पड़ेगा। उठा ले रे बाबा, उठा ले, उठा ले। को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। बेटा तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये रील बनाना छोड़िए, मिड डे मील खाओ और थोड़ा हेल्दी हो। भाई तुम्हारे से डेली पैंट क्यों आती है भाई? पिछवाड़ा ही नहीं है। पिछवाड़ा नहीं तो तुम हकते कैसे? अच्छा तुम तो रील्स पे हकते हो, तुझे पैंट की ढीली आती है क्योंकि भाई पिछवाड़ा ही नहीं है। अबे बावली महिला 32 की जगह पे 30 साइज वाली पैंट पहन ले, टाइट आ जाएगी। इसलिए तुम जैसे को देख के और तुम्हारे ज्ञान को देख के मोदी जी भी बोलते हैं। भाई तुम्हारे इतनी ढीली पैंट क्यों आती है? भाई पिछवाड़ा ही नहीं है। मार्क हेनरी के बिछड़े हुए बेटे, कोई लॉजिक है इस वीडियो में? मतलब तेरी फिजिक बाकी लोगों से अलग, बॉडी शेमिंग कैसे कर रहा था? मेरा मुंह निकल गई,
मेरी जबान टूट गई यार। मतलब तू नॉर्मल लोगों में इजीली पहचाना जाएगा तेरी बॉडी की वजह से। इनडायरेक्टली बॉडी शेमिंग कर दी। तेरे नोज के ऊपर के पार्ट से नॉर्मल कोई भी कंपेयर करके पहचान जाएगा। वो तो तेरी लवर थी तो वो कैसे नहीं पहचानेगी। अच्छा यार उन लोगों की भी सेटिंग होनी चाहिए। मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो इतने खुश हूँ। अपने आप के लिए रो रहे हो। मैं बस यही पूछूंगा इन जैसे लड़कियों से कि क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर है? मेरे लंबे लंबे दांत हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, मेरे 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 पैर पीछे हैं, लंबी पूंछ है, नहीं है ना? डरने की बात नहीं, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, नहीं है ना? अबे तुम दोनों थोड़ा सा बहन का था क्या? मतलब ये सुट्टा पीना चाह रहा है पर ये पीने नहीं दे रही है, तो थोड़ी साइड में चली जा, फिर कहीं छुपके से हल्लू से पी लेना, या फिर जब तू अकेला होगा तब पी ले। नहीं। और छपरी निब्बी तू फूक क्या रही है, सीधा पकड़ के तोड़ देना। नाथू के जिम जाते ही उसके सब कुछ तन गए। नाथू के जिम जाते ही उसके सब कुछ तन गए। छमिये रील्स पे बनाने चले थे ट्रेंड पर, ये तो कुत्ते बन गए। मैंने सेकंड चैनल चालू किया है जहाँ पे मैं क्रिकेट रिलेटेड मीम्स डालते रहता हूँ, तो वहाँ पे आप आके हमको ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले 10K करा दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको कम बताया जा रहा है, मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। गिरगिट के चले तू बहुत ज्यादा बुरा नहीं, बल्कि तू बहुत ज्यादा बुरा x100 है। और ये बोचली का कम बता कौन रहा है तुझे? जो कोई भी तुझे कम बता रहा है उन्हें मुझे बुढ़े वालों को जिंदा पकड़ना है। लड़कियों कपड़े उतारने का दौर चल रहा है, तो कोई ऐसा ढूंढो जो तोहफे में तुम्हें दुपट्टा दे। अब आप बोलोगे देखो देखो कितनी अच्छी कितनी सच्ची कितनी मस्त वाइफ है, एकदम वाइफ मटेरियल, हैशटैग वाइफी गोल। दे रहे जरा उसका दीदी, आप भी तो वही कर रही हो। लड़कियों कपड़े उतारने का दौर चल रहा है, कभी कपड़े उतारने पे ज्ञान देना है तो कभी खुद ही कपड़े उतार के फॉलोअर्स लेना है। बाप का पैसा नहीं साया ही काफी है। तुम्हारा बाप साया पहनता है? बाप का पैसा नहीं साया ही काफी है। तुम जैसी लड़कियां बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए बाप के जेब से पैसे चुराती हैं। देख आज फिर तेरी बेटी ने पैसा चुराया, आज फिर खाली पेट सोना पड़ेगा। साले कुत्तों की जिंदगी। और सोशल मीडिया पे आके ज्ञान देती हैं कि बाप का पैसा नहीं साया ही काफी है। बचपन से तो बाप ने पैसे दिए होंगे तभी तो गुजारा हुआ, या फिर बचपन से ही पॉकेट मारती तू। भाई वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब घंटा घंटी कर दो। ओके बट देखो पूरा तो है रोस्ट वगैरह जो भी है। हाँ एक चीज है कि जो कुछ एक चीज हम देखते हैं तो वो सुन सुन के फिर बाद में बहुत ज्यादा पक जाते हैं, बट मुझे नहीं पता मुझे क्यों नहीं दिखा ये चांद वाला मुखड़ा वाला रील जो है, मुझे सही में नहीं दिखा। कैसे क्या सबको दिख रहा है मुझे क्यों नहीं दिखा। ओके बट जो एंड में आके जो कहा था कि बाप का पैसा नहीं सिर्फ साया ही काफी है, वो मतलब चलो उसके ऊपर बहुत सारे जोक्स वगैरह जो भी कमेंट्स है वो सब हो सकते हैं, बट पर्सनली आप मुझे पूछो मैं एट दिस पॉइंट मैं भी यही कहूंगी यस, अगर बाप का साया हो तो क्या नहीं है तुम्हारे लाइफ में। पैसा तो लाइक कमाया जा सकता है, बट जिनके पास नहीं ही है ना उनको पता है कीमत, उनको पता है कि अगर आज डैड होते तो आज ऐसा होता आज वैसा होता, सिनेरियो टोटली चेंज होता, आज फिर बहुत सारी चीजें अलग हो जाती, आज ये होता आज वो होता, बहुत अलग अलग चीजें होती। तो सिर्फ बाप का साया होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसे तो है ही, मतलब वो तो कमाए जा सकते हैं, हम कमाएंगे, हम कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हमने देखा है कितने सारे लोगों के पहले की सिचुएशन एंड देन आफ्टरवर्ड्स। बट पापा का एक ऐसा है कि हाँ साया होना चाहिए, आप लोग सब एग्री करते हो ना मुझसे, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। और सिर्फ फोटोज वगैरह के रील्स को इतने लाइक्स यार, मतलब कैसे हो जाता है ना, कि लग भी बोल सकते हैं या क्या बोलना, क्योंकि इतने सारे लोग रील्स डालते हैं, मुझे लगता है दिन में कितने लोग रील्स डालते होंगे, गूगल करना पड़ेगा कि पर डे इंडिया में कितने लोग रील्स डालते हैं, उसमें से कितने हिट होते, कोई कोई किसी फोटो भी हिट हो जाते, माँ कसम लकी। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो।
वीडियो इंस्टाग्राम न्यू ट्रेंड चांद वाला मुकड़ा लेके बाय सैन किरोज. इफ यू वांट मोर ऑफ सच वीडियोस गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज़ इन योर व्यूज एंड आई गेट टू नो व्हाट माय ऑडियंस हैव टू वॉच एंड व्हाट नॉट. सो प्लीज बाकी परत नहीं आ लेते.